वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास आधारित सरकार के हाथों में सत्ता फिसलती दिख रही है। इसका असर भी दिखने लगा है। राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट अब खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आया। इसी क्रम में शिवसेना के कुल्ला से बागी विधायक मुकेश कुडलर के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इसका आरोप उद्धव के गुट वाले शिव सैनिकों पर साफ लग रहा है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें साफ देख सकते हैं कि आप लाठी डंडे और लोहे के औजारों के साथ कुछ लोग कुड़ाल करके ऑफिस के गेट के बाहर पहुंचते हैं और वहां पर लगे हुए बोर्ड में तोड़फोड़ करते हैं। इस मौके पर वहां पुलिस का एक जवान भी खड़ा होता है, हालांकि वो कुछ नहीं कर पाता है। लोग इतने उग्र रहते हैं कि सब कुछ वहां पर तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अहमदनगर में भी आंदोलनकारियों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिक पोती। इस दौरान एकनाथ शिंदे हाय हाय के नारे भी लगाए गए। इसी तरह से नासिक में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगाई गई होर्डिंग पर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी। आरोप ये है कि ये सब शिवसैनिक कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के बदलते सियासी मिजाज को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर है। राज्य के सभी पुलिस थाने, खासकर मुंबई के पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर करने का आदेश दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि शिवसैनिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं। शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। आपको बता दें, सियासी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ कह दिया था कि हमें चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे गुट को पता होना चाहिए कि शिवसैनिक अभी सड़क पर नहीं उतरे हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब कुछ बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है, जिसमें शिवसैनिक काफी उग्र हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज।